सलामकुम, दिस इज साथ फ्रॉम जी एम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सो आज की जो वीडियो में अपन ओप्पो का रेनो 6 मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी जो यूज़ की मार्केट प्राइस चल रही है 2022 में वो बताऊँगा और इसकी स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखने, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को प्रेस कर लें। कंप्लीट बॉक्स में मेरे पास जो है ये सेट अवेलेबल है अरोरा कलर में। कंप्लीट बॉक्स है, 9 मंथ इसकी वारंटी जो अवेलेबल है। 8 GB इसकी रैम है, 128 GB इसकी स्टोरेज मिल जाएगी आपको। सबसे पहले आपको मैं एक बार इसकी कंडीशन चेक करवा देता हूँ, 10x10 जो है इसकी कंडीशन है। प्राइस भी जो है मैं वीडियो की दरमियान में बताऊँगा, तो वीडियो कॉल स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। तो ये 10x10 कंडीशन है इसकी, किसी किस्म के आपको निशान वगैरह नहीं मिलेंगे। कैमरे वगैरह देखने बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म का कोई निशान नहीं है। बैग बिल्कुल साफ़ है इसकी। 3 मंथ जो है ये यूज डिवाइस। नीचे से रिंग देख लें इसका आप, 10x10 कंडीशन कह सकते हैं आप इसकी। बिल्कुल 10x काफ़ी साफ सेट है। बिल्कुल फ्रंट पे जो है 6D ग्लास लगा हुआ है। जब भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आजकल जितने भी लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल पे 6D ग्लास लगाया करें। क्वालिटी वाला ग्लास होता है, गोरिल्ला ग्लास होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता 9D की तरह। वरना आपको पता है कि 9D जो ग्लास होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, तो इसलिए 6D ग्लास काफ़ी बेहतर आता है। मॉडल वाइज आता है, इस पर मॉडल नंबर लिखा होता है उसका। इसमें मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है। तो बाकी सेट में आपको की स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ। 173 ग्राम सेट का वेट है। 6.4 इंच जो है इसका स्क्रीन साइज़ मिल जाएगा आपको। फुल HD प्लस आपको इसमें रेजोल्यूशन मिलते हैं 409 PPI के साथ। AMOLED इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी अबाउट फोन में आके आपको मैं डिटेल चेक करवा देता हूँ एक बार। इसकी कलर वर्जन जो है इसमें आपको V11.1 मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें 11 मिल जाएगा। रैम जो है इसकी 8 GB प्लस 3 GB मिल जाएगी। चिपसेट इसमें आपको Qualcomm Snapdragon मिल जाएगा 720G का 8 nanometer के साथ। 128 GB जो है इसकी स्टोरेज मिल जाएगी आपको। बैक साइड पे आपको इसमें क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा 64 MP का वाइड एंगल के साथ, प्लस 8 MP मिल जाएगा आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ, प्लस 2 MP मिलता है आपको इसमें मैक्रो कैमरा, और प्लस 2 आपको इसमें डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। फ्रंट इसमें आपको लेफ्ट साइड पे पंच होल कैमरा मिल जाएगा 44 MP का वाइड एंगल के साथ। बैटरी जो है इसकी 4310 mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 50 वाट के चार्जर के साथ। फिंगरप्रिंट जो है इसमें अंडर डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर काफ़ी ये फास्ट वर्क कर रहा है। और रेनो 6 जो है काफ़ी अच्छी डिवाइस है, कैमरे वगैरह के लिहाज से भी और प्रोसेसर के लिहाज से भी काफ़ी जो है अच्छी है, फास्ट डिवाइस है, इतना कोई इशू आता नहीं इसमें। और डिस्प्ले भी जो है इसका बहुत खूबसूरत है। होम स्क्रीन पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन मिल जाती है, वो मैंने ऑन की हुई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके सामने आ रही होगी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन। 90Hz का जो है इसका रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपको, वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ, वो भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। 90Hz का यहाँ पर आपको इसका रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 98 पे सेलेक्ट किया हुआ मैंने। कैमरे वगैरह वो भी आपको चेक करवा देता हूँ, कैमरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। पोर्ट्रेट मोड से भी पिक्चर लेके आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा बैक कैमरे का, पोर्ट्रेट मोड का। कैमरे इसके काफ़ी अच्छे हैं। फ्रंट से भी आपको एक बार पिक्चर लेके चेक करवा देता हूँ। और काफ़ी डिमांड है इसकी आजकल मार्केट में भी, बहुत कम आता है यूज़ में और काफ़ी मुश्किल होती है कि अच्छी कंडीशन में फोन आए, तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में आया। बस वक्त ये इसके नॉर्मल कैमरे का रिजल्ट है, फ्रंट कैमरे का, और ये पोर्ट्रेट मोड में रिजल्ट है इसका। कैमरे जो है इसके फ्रंट और बैक दोनों काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको बता देता हूँ ऑप्शन जो इसमें आ रही है, यहाँ से आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रही है वीडियो रिकॉर्डिंग की, आप यहाँ से ऑन करके अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन कर सकते हैं। काफ़ी स्मूथ वीडियो बनती है आपकी, अगर आप यूट्यूब या टिकटॉक या व्लॉगिंग के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को लाजमी ऑन किया करें, इससे आपकी वीडियो जो है काफ़ी स्मूथ बन जाती है। बाकी इसमें आपको नाइट का ऑप्शन मिल जाएगी अलग से, वीडियो की ऑप्शन मिल जाएगी, फ़ोटोज़ में आएंगे, पोर्ट्रेट मिल जाएगी, मोड में आएंगे, ड्यूल वीडियो की ऑप्शन मिल जाती है आजकल काफ़ी मोबाइल में ये आ रही है ऑप्शन। इसके अलावा आपको मिल जाएगी सारी मैक्रो कैमरा की ऑप्शन मिल जाती है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैक्रो कैमरा काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये भी आजकल मोबाइलों में आ रही है।
तो फ़ोन जो है प्राइस मैंने आपको बताई है इसकी 50,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है, बताना चाहूँगा 50,000 रुपये इसकी प्राइस है डिवाइस की। और ये मेरे पास बॉक्स इसका जो है कंप्लीट बॉक्स में अवेलेबल है। कवर जो है इसका भी बताना चाहूँगा आपको कि अभी तक ये यूज़ नहीं हुआ हुआ कवर, न्यू कवर मिल जाएगा आपको इसका, यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ, थोड़ा सा कह लें आप बिल्कुल भी साफ कवर मिल जाएगा बिल्कुल। इसका हैंड फ्री जो है इसकी पैक हैंड फ्री है, हैंड फ्री भी जो है इसकी इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ चार्जर और केबल जो है इसकी इस्तेमाल है, ओरिजिनल केबल मिल जाएगी आपको इसकी। और ये आपको इसका ओरिजिनल ओप्पो का चार्जर मिल जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, फास्ट चार्जिंग जो है सपोर्ट करता है। तो जो भी कस्टमर परचेज करना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक का आईडी या जो है इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और प्राइस मैंने आपको बता दी है, और तो जो भी कस्टमर परचेज करना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।